सो हेलो गाइज, माई नेम इज़ अमितन। आज इस वीडियो में जो आप देखने वाला हो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके व्हाट्सएप चैट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके एंड्रॉयड डिवाइस से iOS डिवाइस में। आप जानते ही होंगे कि एंड्रॉयड डिवाइस से iOS डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र करना कितना मुश्किल होता है। तो आज मैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि बड़े आसान स्टेप में आपको ये बता देता है कि आपको कैसे डाटा ट्रांसफ़र करना है, एंड वो कर भी देता है बेसिकली, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट में आपको अपने iOS डिवाइस के डाटा को, मतलब कि जो चैट्स हैं iOS के व्हाट्सएप चैट्स को ट्रांसफ़र करना है आपके एंड्रॉयड के व्हाट्सएप चैट्स में, ठीक है। मतलब आपको मतलब इंटरचेंज करना है डाटा को। तो आप इसमें एंड्रॉयड से iOS में भी कर सकते हो या फिर iOS से एंड्रॉयड में भी कर सकते हो। एंड्रॉयड के जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनको आप iOS में ट्रांसफ़र कर सकते हो बड़े आराम से। सो इस वीडियो को स्पॉन्सर करा है आई माई फ़ोन ने, जिनका ये ऐप है आई ट्रांसफ़र। तो ये काफ़ी सिंपल वे में बता देता है। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पूरा कंप्लीट देखते रहना एंड लाइक कर दो अभी के अभी अगर आपने नहीं किया है तो। सो लेट्स कम टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, एंड अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा आई ट्रांसफ़र का, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। या फिर आपको अगर गूगल में सर्च करना है तो आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा आई ट्रांसफ़र। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा वेबसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस ट्रांसफ़र टूल, एंड सच में काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, बड़ा ही इजी है। आपका अगर आपका मैक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बड़ा आराम डाउनलोड हो जाता है। मेरा विंडोज़ पीसी है तो मैंने विंडोज़ को डाउनलोड करके रखा है। तो चलो फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब डाउनलोड तो मैंने ऑलरेडी कर रहा है, तो फटाफट इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये है आई ट्रांसफ़र फॉर व्हाट्सएप, मैं इसमें क्लिक करूँगा एंड स्टार्टिंग में बोलेगा रन एज, मतलब आपको परमिशन देना पड़ेगा यस, तो यस कर दीजिए उसको एंड फिर ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो फटाफट मैं आपको केबल चाहिए, ठीक है, एक आईफोन का ओरिजिनल केबल चाहिए होगा जो कि आपका लाइटनिंग केबल है, एंड जो आपका फ़ोन है उसका एक केबल चाहिए होगा। दोनों का आपको लैपटॉप में प्लग इन करना है या फिर अपने पीसी में, ठीक है। सबसे पहले मैं प्लग इन कर लेता हूँ अपने आईफोन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईफोन आ चुका है मेरा, एंड अब मैं फटाफट एंड्रॉयड डिवाइस को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। सो अपने एंड्रॉयड डिवाइस को आप अनलॉक करना मत भूलना, ठीक है। तो मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ फटाफट, एंड यहाँ पे आपको फाइल ट्रांसफ़र ऑन कर देना है अपने एंड्रॉयड डिवाइस का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रियलमी 5 प्रो एंड आईफोन, मतलब कि जो मेरा आईफोन है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये कुछ स्टेप्स आपको बताएगा जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये जो स्टेप्स है ये आपको फॉलो करना है। तो फटाफट मैं जाता हूँ सेटिंग्स में। सो यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेना। सो सबको अपना पता रहता है कि सबको डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है। अगर आप रियलमी का पूछो तो रियलमी में आपको क्या करना रहता है, जो कि मेरे पास रियलमी का डिवाइस है। तो यहाँ पे आप जब जाओगे अपने अबाउट फ़ोन में, तो यहाँ पे यहाँ पे बिल्ड नंबर जो आपका रहता है वर्जन में, उसको आपको 5 बार टैप करना है। उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा आपका, तो यहाँ से आप पासवर्ड इसमें दे देना। सो पासवर्ड जैसे ही आप दोगे वहाँ पे आप डेवलपर ऑप्शन में चल जाओगे। तो अब आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। मैं ये रियलमी के डिवाइसेस के बारे में बता रहा हूँ, कलर वाइज में भी ओप्पो के फ़ोन में सेम हो, बट कुछ कुछ फ़ोन में अलग होता है, सैमसंग के अलग होंगे, MI के अलग होंगे, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से सर्च करके देख लेना कि कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ चुका है, एंड अब हम जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आप डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको बडिंग ऑन कर देना है, ठीक है। तो आपको बडिंग ऑन करना है, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे USB बडिंग ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप ऑन करोगे तो आपको परमिशन देना होगा, ओके। एंड जैसे ही आप परमिशन दे दोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बडिंग हो चुका है, एंड यहाँ पे आपका डिवाइस फिर से आ चुका है एक और बार, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, फटाफट ये कनेक्ट हो जाए उसके बाद मैं करता हूँ आगे, ठीक है। एंड यहाँ पे USB वायर्स को अलाउ कर देना, जैसे कि आप यहाँ पॉपअप देख सकते हो, यहाँ पे पॉपअप आया हुआ है एक। तो इसे मैं जैसे ही अलाउ करूँगा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो चुका है, अब हम क्लिक करेंगे ट्रांसफ़र वाले बटन पे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपका नॉर्मल व्हाट्सएप है कि व्हाट्सएप बिजनेस है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ही नॉर्मल मैसेज हैं, व्हाट्सएप के नॉर्मल वाले ही हैं, बिजनेस वाले नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजर में क्लिक करूँगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा टाइम लेता है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा जल्दी लगे, आपको इतना टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा देर लग गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस पे है यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर डेस्टिनेशन डिवाइस। तो अभी से पॉपअप आया था एक USB बडिंग ऑन करने का, तो यहाँ से मैंने फिर से बडिंग ऑन कर दिया है, एंड अभी ये कस्टम व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रहा है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ताकि उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर दे सारा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके फ़ोन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेबसाइट है ये, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे एक और व्हाट्सएप अभी इंस्टॉल हो रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड कभी कभी आपके लैपटॉप अगर वायर हिल जाए तो यहाँ पे एरर आ जाता है, तो फिर सबको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे परमिशन मांग रहा है स्टोरेज का, तो यहाँ पे भी आपको पॉपअप यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं इसे अलाउ कर दूंगा, तो यहाँ पे फिर वो आपको डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके डन कर देता हूँ एंड यहाँ पे यस कर देता हूँ, तो फिर ये आगे स्टेप में बढ़ चुका है अपने। सो यहाँ पे सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड स्टेप पे। तो देख सकते हो कितना स्टेप बाय स्टेप इजी मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, ठीक है। एंड आपको कोई अगर रिक्वेस्ट है वीडियो का तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कर दो, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। सो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ उस स्टेप को, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो चलो तो यहाँ पे थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड थोड़ा टाइम तो हमें लग गया, फिर से यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर से आपको अलाउ कर देना है। ओके एंड पता नहीं यहाँ पे ये ट्रांसफ़र फेल क्यों हो गया, तो उसे रीट्राई करते हैं हम लोग। एंड अब ये जा रहा है आपके व्हाट्सएप में, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जा रहा है, तो अगर आपका भी वैसे फेल हो तो प्लीज़ उसे जल्दी से अलाउ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र होने के लिए मैं इसे अलाउ कर देता हूँ जल्दी से एंड लेट्स सी आगे होता क्या है। सो यहाँ पे फाइनली आपका परसेंट वाला आप देख सकते हो कि परसेंटेज स्टार्ट हो गया, तो 4-5% करके ऐसा जो आपका iOS डाटा है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अब जा रहा है। तो जब थोड़ी इसके कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कि क्या होता है, तो चलो देखते हैं। इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैं कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, तो चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने फाइनली आपका डाटा ट्रांसफ़र कर लिया, यानी कि हमने फाइनली अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप डन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर डन पे क्लिक करूँगा तो फाइनली डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं एग्री पे जाऊँ, कंटिन्यू पे जाऊँ एंड अपना नंबर लिखूँ जो कि मैंने अपने iOS डिवाइस में लिखा था, तो यहाँ पे मैं वो नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, तो इसे मैं हाइड कर देने वाला हूँ क्योंकि मुझे आपका नंबर शेयर नहीं करना है अपना। एंड ओके करते हैं, OTP आएगा अभी, तो इस OTP को हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसे अलाउ कर देते हैं एंड यहाँ पे OTP आएगा, आप देखना यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे आप देख सकते हो OTP आया है। एंड इस OTP को हम डालने वाले हैं इसमें, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ डाल देता हूँ। सो इट्स वेरीफाइंग नाउ एंड यहाँ पे मेरा नेम पूछ रहा है। तो जब व्हाट्सएप में डाटा ट्रांसफ़र कर दोगे, मतलब अपने iOS का डाटा ट्रांसफ़र कर दोगे अपने एंड्रॉयड के व्हाट्सएप में, तो जो आपका iOS का व्हाट्सएप रहेगा उसका जो डाटा रहेगा, मतलब उस वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एक नंबर से दो फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चला सकते हो, ये आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी चैट्स हैं सब इसमें आ चुके हैं, ठीक है। एंड ये वही चैट्स हैं जो मेरे फ़ोन में थे iOS में। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको करना है, अगर आपको एंड्रॉयड से iOS में करना है तो आप सिंपल यहाँ पे जाके स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप स्विच करोगे तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा एंड फिर ट्रांसफ़र पे आप क्लिक कर देना, सेम यही प्रोसेस रहता है। एंड जितने भी प्रोसेस हैं उसमें आपको यहीं पे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको फॉलो करके आराम से कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड अगर आपको कोई वीडियो रिक्वेस्ट है प्लीज़ तो जल्दी से आके कमेंट करो एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।